हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल एट लुक सर अनलिमिटेड स्टडीज ओन सो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम एनर्जी कवर करेंगे आज के टॉपिक में हम एसएचएम में एनर्जी कवर करने जा रहे हैं तो बच्चों आज की हमारी क्लास में हम लोग जो डिराइव करने वाले हैं हम लोग एक्सप्रेशन डेवलप करने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन डेवलप करने वाले हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन डेवलप करने वाले हैं और दोनों को हम ऐड कर देंगे तो बाद में हमारे पास क्या जाएगी टोटल एनर्जी हम यहाँ पर तीन डेरिवेशन करने जा रहे हैं तो क्वेश्चन किस टाइप का आता है ये देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ आपके स्क्रीन पर डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द कायनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड ऑल्सो प्रूव दैट द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कॉन्स्टेंट आपको ये भी शो करना है कि जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या बनी रहती है हमेशा कांस्टेंट तो बच्चों सबसे पहले हम डिराइव करते हैं काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन आपके सामने तो हम यहां पर डेराइव करने जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन ओके okay? सो काइनेटिक एनर्जी तो आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो फार्मूला होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम इन टू वी का स्क्वायर और जो हमारे पास वी होता है ये ये किसकी एनर्जी होती है किसी मास की और जो वी होता है वी हम लोगों ने इस चैप्टर में पहले निकाल रखा है जो होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस डिसप्लेसमेंट वाई का स्क्वायर तो यदि मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी के ई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा के इज इक्ल्स टू हाफ एम ओके और ये हो जाएगा अंडर रूट ओमेगा रहेगा और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्लियर सो वन अपॉइंट टू एम तो रहेगा ही बाहर और ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर और ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बिकॉज रूट कैंसिल हो जाएगा ठीक है ना तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ कंप्लीटली हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये है अपनी काइनेटिक एनर्जी ओके okay? ये क्या है अपनी काइनेटिक एनर्जी अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी आप जानते हैं जब एसएचएम होता है तो इन पोजीशन पे एक्सट्रीम पोजीशन होती है ये पोजीशन होती है प्लस ए यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड होता है वाई इक्वल टू प्लस ए होता है और इस पोजिशन पर वाई इज इक्वल टू कितना होता है माइनस ए हुआ करता है ओके okay? एक्सट्रीम पोजिशन पर तो यदि आप यहाँ पर मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ कि एट एक्सट्रीम पॉइंट वाई इज इक्वल टू यदि प्लस माइनस ए होगा वाई इक्वल टू प्लस माइनस ए तो वाई की वैल्यू यदि आप यहाँ पे प्लस माइनस ए पुट करते हैं तो देखिए कानेटिक एनर्जी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ही आ जाएगा मतलब कितने हो जाएगी जीरो मतलब इन पॉइंट पर कानेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है जीरो और आपको वैसे ही पता है कि इन पोजीशन पर वेलॉसिटी जीरो होती थी याद आ गया आपको इन पॉइंट पर वेलॉसिटी क्या होती थी जीरो तो इन पॉइंट पर कानेटिक एनर्जी भी कितनी होगी जीरो तो यहाँ भी कानेटिक एनर्जी जीरो और यहाँ भी कानेटिक एनर्जी जीरो ये जो पोजीशंस हैं इन पर कानेटिक एनर्जी जीरो हुआ करती है सो यहाँ पर के इक्वल टू जीरो क्लियर है आपको इन पॉइंट्स पर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जीरो तो हमने सबसे पहले डेरिवेशन अभी कर लिया है जिसका नाम है काइनेटिक एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ़ एम ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट ओके ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओके हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अब हम निकालते हैं अगला डेरिवेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ओके सो नेक्स्ट डेरिवेशन करते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल दैट एग्जीक्यूटिंग एस एच एम ठीक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ठीक है कैसे निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल हम लोग जानते हैं कि अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो किस प्रकार से होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई दिस इज एक्सेलरेशन ये नो एक्सलेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई एंड बाई न्यूटन्स लॉ फोर्स इक्वल टू मास इं टू एक्सेलरेशन बाई न्यूटन्स लॉ फोर्स इक्वल टू मास इन टू एक्सेलरेशन तो फोर्स इक्वल टू मास तो मास ही रहेगा और यहाँ पर हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई ए की जगह एक्सलेशन की जगह हमने क्या पुट कर दिया माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई तो हमारे पास फोर्स कितना आ चुका है माइनस एम ओमेगा इसवायर वाई ये हमारे पास आ चुका है फोर्स क्लियर है अब देखिए जब एस एच एम होता है तो हम यहाँ पे कंसिड्रेशन लेके चलते हैं हमको यहाँ पे एवरेज फोर्स लेना पड़ेगा जैसे कोई भी एस एच एम है तो किसी भी एस एच एम में जो फोर्स होता है बदलता है जैसे आप सिंपल पैंडलम की बात कर लें तो यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स जीरो होता है क्या होता है रिस्टोरिंग फोर्स जीरो क्योंकि अपनी किस स्टेट पे है स्टेबल स्टेट पे है इक्विलिब्रियम स्टेट पे है अब जैसे ये इस पॉइंट पर जाता है तो इस पॉइंट पर यहाँ पर मैक्सिमम फोर्स काम करता है बोलिए करता है कि नहीं करता है तो यदि मैं बोलूँ ऑन एन एवरेज फोर्स कितना होगा तो मैं करूँगा जीरो फोर्स प्लस एफ फोर्स अपॉन टू तो जो एवरेज फोर्स मेरे पास निकलेगा वो कितना निकलेगा एफ बाई टू कितना निकलेगा एफ बाई टू तो मैं यहां पर कह सकता हूं इस पॉइंट को देखेंगे आप लोग नाउ इनिशियली द डिस्प्लेसमेंट वॉज जीरो इनिशियली द डिस्प्लेसमेंट वॉज जीरो एंड द फोर्स वॉज जीरो याद है ना आपके पास क्या रूल था री फोर्स एफ इक्वल टू के एक्स एफ इक्वल टू के एक्स तो अगर आपके पास एक्स जीरो होगा तो फोर्स भी कितना होगा जीरो तो जिस समय आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो था तो फोर्स जीरो था अब जैसे 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 आपका डिस्प्लेसमेंट बढ़ता गया डिस्प्लेसमेंट बढ़ता गया वैसे ही आपका क्या करता गया फोर्स भी बढ़ता गया तो ऑन एन एवरेज जो आप फोर्स मान सकते हैं वो कितना मान सकते हैं एफ एवरेज इक्वल टू जीरो प्लस एफ अपॉन कितना टू जीरो प्लस एफ अपॉन टू क्लियर हो गया दैट इज इक्वल्स टू एफ बाई टू कितना हो गया एफ बाई टू तो वन अपॉन टू और फोर्स की वैल्यू आपने कितनी निकाल रखी है फोर्स की वैल्यू निकाल रखी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई एम ओमेगा स्क्वायर वाई निगेटिव नेचर बता रहा है कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट काम करेगा तो यू कैन राइट माइनस वन बाई टू एम ओमेगा स्क्वायर वाई बोलिए क्लियर है तो ये हमारे पास आ चुका है एफ एवरेज फोर्स जिससे हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है क्लियर हो गया कि नहीं हुआ है ना क्लियर हो गया अब हम लोग को निकालना है वर्क डन क्योंकि वर्क जो होता है वो स्टोर होता है किस फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में वर्क किस फॉर्म में स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्लियर हो गया ना तो वर्क डन इज इक्वल्स टू होगा देखिए वर्क इज इक्वल्स टू आप लोग सब जानते हैं वर्क इज इक्वल्स टू होता है एफ इंटू डिसप्लेसमेंट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है तो फोर्स यहां पे कितना है अपने पास में हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई ये अपने पास में फोर्स है निगेटिव साइन को छोड़ दीजिए बिकॉज आप यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं वर्क को नेचर पे मत जाइए इंटू डिस्प्लेसमेंट कितनी ट्रेवल कर रहा है मान लीजिए वाई कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है वाई क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को आपने कितना माना है वाई माना ना तो चलिए आपके पास आंसर कितना आ गया वर्क इज इक्वल्स टू आ गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर और यही जो आपका वर्क है वाई डिस्प्लेसमेंट के लिए किस फॉर्म में सेव हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सो यू कैन से यू इज इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर क्लियर हो गया u इज इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर अब आप देख सकते हैं स्प्रिंग ले लो या एस एच एम ले लो चाहे पेंडुलम ले लो चाहे कुछ भी ले लो आप सबका एस एच एम एक ही जैसा होता है चलिए इस बार स्प्रिंग लेके मैं बता देता हूँ ये देखिए ये स्प्रिंग की नॉर्मल कंडीशन है इसको बोलता हूं वाई इक्वल टू जीरो क्या बोलता हूँ वाई इक्वल टू बोलते हैं ना इसको वाई इक्वल टू जीरो बोलते हैं तो यदि मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ इस पॉइंट पर वाई जीरो है तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी जीरो होगी पोटेंशियल एनर्जी को सॉरी यू बोलता हूं तो इस पॉइंट पर यू इक्वल टू कितना होगा जीरो अब जैसे डिस्प्लेस होकर के ये जाएगी मैक्सिमम पॉइंट पर डिस इस मैक्सिमम पॉइंट पर मैंने बताया वाई इक्वल टू कितना होता है ए कितना होता है ए तो इस पॉइंट पर कितना हो जाएगा आंसर देखिए आपका यह हो जाएगा वाई यू इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बिकॉज वाई की जगह ए है क्लियर हुआ अगर डिस्प्लेस होकर के मिनिमम डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ जब जाएगा ये पार्ट इधर हो जाएगा तो इस समय पे y इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस ए कितना हो जाएगा माइनस ए जिसकी वजह से u इक्वल टू कितना हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और माइनस ए का स्क्वायर भी कितना होता है ए स्क्वायर तो आप देख रहे हैं कि एक्सट्रीम पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है मगर कैनिटी कितनी होती थी जीरो याद है क्योंकि यहां पर रुक जाता था तो यहां पर के बराबर कितना था जीरो यहां पर भी के बराबर कितना था जीरो क्लियर हो गया यहां पर पोटेंशियल जीरो है बट याद करिए यहां पर काइनेटिक कितनी हुआ करती थी आपके ऊपर ही डेरिवेशन लिखा हुआ है अगर इस पॉइंट पर यदि आप काइनेटिक की वैल्यू जीरो देखिए वाई जीरो पुट कर दीजिए सेंटर पर वाई टू क्या पुट कर दीजिए जीरो सेंटर पर वाई टू क्या पुट कर देंगे जीरो तो वाई टू जीरो पुट करने पर कितना आएगा आंसर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा मतलब इस पॉइंट पर केवल काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करेगी और जिसकी वैल्यू होगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ठीक है ना इसको मैं फिर से लिख देता हूं दिस इज इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर क्लियर है तो देख लीजिए यहां पे भी टोटल यहां पे भी एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर है यहां पे भी एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर है और इस पॉइंट पर भी एनर्जी कितनी है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर क्लियर हो गया तो यदि आप टोटल एनर्जी निकालना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे काइनेटिक जीरो है पोटेंशियल मैक्सिमम है तो सम इतना ही आएगा यहाँ पर काइनेटिक मैक्सिमम है पोटेंशियल जीरो है तो भी सम इतना ही आएगा और यहाँ पर काइनेटिक जीरो है और पोटेंशियल इतनी है तो भी सम इतना ही आएगा मतलब एनर्जी हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी एनर्जी हमेशा क्या रहेगी तो इसी बात पर हम टोटल एनर्जी आपको निकाल के दिखाते हैं टोटल एनर्जी टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बोली क्लियर है काइनेटिक एनर्जी आपके पास कितनी आई है काइनेटिक एनर्जी आई है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये आपकी काइनेटिक एनर्जी आई है ऊपर आपने निकाली है काइनेटिक एनर्जी ये देखिए ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये काइनेटिक एनर्जी है और ये आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी आपने निकाली है ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर ये निकाली है दोनों को हम ऐड कर देते हैं दोनों को क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर तो कॉमन ले लो भाई मजे से तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया यहां से ये यह कॉमन आ गया और यहाँ से ये यह कॉमन आ गया ब्रैकेट के अंदर बचा a, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए सॉरी वाई स्क्वायर बचेगा ना क्या बचेगा वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल सो टोटल एनर्जी आती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और क्या ए स्क्वायर तो एम भी कांस्टेंट है ओमेगा भी कांस्टेंट है ए भी कांस्टेंट है तीनों के तीनों कांस्टेंट है तो आंसर हो गया कि जो टोटल एनर्जी होती है एक एस एच एम में हमेशा क्या बनी रहती है कांस्टेंट समझ गए और बस थोड़ा सा अदला बदली होती रहती काइनेटिक है काइनेटिक पोटेंशियल बदलती है और पोटेंशियल काइनेटिक बदलती है मैं आपको फिर से पेंडुलम का मोशन लेकर के एक बार बता देता हूँ ये देखिए पेंडुलम है और ये पेंडुलम की मोशन कुछ इस तरीके से यहां पे हो रही है कुछ इस तरीके से ओके तो आप जानते हैं कि यहां पर डिसमेंट वाईक्वल टू प्लस ए होगा होगा कि नहीं होगा और यहां पर डिस्प्लेसमेंट डिसमेंट वाईक्वल टू जीरो अब आप देखिएगा मैं एनर्जी के सारे कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा तो यदि यहां पर आपका डिसप्लेसमेंट यहां पर पोटेंशियल एनर्जी देखिए कितनी होगी यू इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बोलिए होगा कि नहीं होगा क्योंकि तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर तो इस पॉइंट पर वाई की वैल्यू प्लस ए है तो यहां पे क्या होगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर क्लियर और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी यही होगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर क्लियर इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी जीरो क्योंकि ये रेस्ट पे चला जाएगा भाई साहब ये रेस्ट पे क्या हो जाएगा चला जाएगा इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होती है जीरो और इधर पे वेलोसिटी कितनी होती है जीरो तो यदि मैं बोलूं आपसे काइनेटिक एनर्जी यहां पे कितनी होगी जीरो अब यहां देखिए भाई साहब यहां y इक्वल टू जीरो है तो यहां पर पोटेंशियल कितनी होगी जीरो क्योंकि पोटेंशियल का फार्मूला होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर तो y की वैल्यू जीरो पुट कर दो ना तो कितना आ जाएगा जीरो अब यहां पर मैं काइनेटिक निकाल रहा हूं देखिए काइनेटिक तो काइनेटिक की फार्मूला जो होता है यदि आपको भूल गया मुझे भूला नहीं वन अपॉइंट टू एम ओमेगा स्क्वायर और ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो अगर आप वाई की वैल्यू जीरो पुट कर दें यहां पर यहां पे y की वैल्यू क्या पुट कर दें जीरो तो आपके पास केवल बचेगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अब समझिए मेन बात है क्या टोटल करके देखो आप एनर्जी को यहां पर टोटल एनर्जी देखो आप कितना आ रहा है टोटल एनर्जी इक्वल टू ये प्लस ये भाई जीरो से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं तो मतलब कितना बनेगा वन आ टू एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर यहां पर निकाल लो टोटल एनर्जी कितनी बनेगी यही बनेगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी निकाल लो ये वेलोसिटी जीरो है है ना काइनेटिक जीरो है और पोटेंशियल ये है तो यहां पे टोटल एनर्जी कितनी निकलेगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अब मुझे बताओ क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लागू हो रहा कि नहीं हो रहा है क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई हो रहा कि नहीं हो रहा है अरे बिल्कुल हो रहा है यार क्योंकि देखो हर पॉइंट पर एनर्जी जो है कॉन्स्टेंट आ रही सेम आ रही है समझ गए ना तो यही हो रहा है देखो हो क्या रहा है यहाँ पर पोटेंशियल थी पोटेंशियल कम होने लगी और किस में बदलने लग गई काइनेटिक में फिर ये इधर जाएगा काइनेटिक बढ़ काइनेटिक कम होने लग गई और क्या बढ़ने लग गई पोटेंशियल समझ में आ गया क्लियर है तो ये ग्राफ आपका कहलाएगा इस ये मतलब ये जो कंसेप्ट कहलाएगा ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कहलाएगा कि जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर जो कि हमेशा कांस्टेंट रहती है ठीक है ना क्लियर हो गया आप इसका ग्राफ भी बना सकते हो एनर्जी का एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ आप बना सकते हो ये देखिए ये यहाँ पर आप ले लीजिए वाई क्या ले लीजिए आप वाई और यहाँ पर आप ले लीजिए एनर्जी क्या ले लेते हैं आप एनर्जी ठीक है ना तो मैं दो ग्राफ आपके सामने बना रहा हूं देखिए ये वाला ग्राफ जो येलो वाला जा रहा है यह काइनेटिक एनर्जी का बता रहा है देखिए अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट माइनस ए है और डिस्प्लेसमेंट आपके पास प्लस ए है क्लियर है ना तो आपको पता है कि इन पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है तो देखिए काइनेटिक एनर्जी जीरो है और हाँ ये देखिए इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है काइनेटिक एनर्जी क्या है मैक्सिमम इस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर

और एक यहां पर और ग्राफ इस तरीके से घटना शुरू हो जाता है ये थोड़ा सा मेरे को डार्क नहीं बनाना था चलिए कोई नहीं बात नहीं ये देखिए तो ये जो ग्राफ दिख रहा है ये ऊपर से जो नीचे आ रहा है ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये ग्राफ किसको दिखा रहा है बताइए पोटेंशियल एनर्जी को किसको दिखा रहा है पोटेंशियल को समझ में आ गया ये देखिए y इक्वल टू जीरो पर डिस्प्लेसमेंट जिस समय जीरो है सेंटर पर डिस्प्लेसमेंट कितनी है जीरो है तो उस समय पोटेंशियल कितनी है जीरो और जिस समय डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है है ना तो उस समय पोटेंशियल कितनी है मैक्सिमम और ये ग्राफ किसको दिखा रहा बताइए ये, ये काइनेटिक एनर्जी को दिखा रहा है किसको दिखा रहा है ये बोलिए आ गया समझ में ना तो ये काइनेटिक एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ है ओके okay, और ये टोटल एनर्जी है ये जो लेवल आप देख रहे हैं ऊपर ये है ना ब्राउन कलर का मैं एक बार फिर से ब्राउन कर देता हूँ उसको ये जो लेवल आप देख रहे हैं ये टोटल एनर्जी का ग्राफ है और ये एवरी टाइम इट इज़ कॉन्स्टेंट द वैल्यू इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर सो गाइज दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर नो ओनली न्यूमेरिकल्स आर लेफ्ट ओके सो यू आर कैरी ऑन विद द न्यूमेरिकल्स यहाँ पर हमारा ये टॉपिक पूरा फिनिश हो जाता है अब आप इसको अच्छे से कर सकते हैं चलिए थैंक यू